राइट जाऊं? ठीक है साहब, जैसा आपका हुकुम। कहाँ जा रहे हो तुम? पच्चीस लोग मर गए और 50 से ज्यादा लोग घायल। क्या क्या मिला उस ब्लास्ट करने वाले को? ये देखो, इस घर को देखो, इसका दरवाजा पूरी तरह से उड़ गया है। कहीं बॉम्ब वहीं पर तो नहीं लगाया गया होगा? घायलों में जो लोग बोलने की हालत में थे, हमने उन सबसे पूछा सर, सबका यही कहना है कि उन लोगों ने एक धमाके की आवाज सुनी थी और ये धमाका किसी आदमी ने किया था। तो इन लाशों में एक सिर भी मिला था, सिर्फ सिर, वो कहाँ है? सर, हमने उसे पहले उठा के फॉरेंसिक लैब भिजवा दिया था ताकि उसे कोई देख न ले। उसके शरीर के तो चिथड़े चिथड़े उड़ गए होंगे, सिर्फ सिर ही बचा। सर, सुसाइड बॉम्बिंग में तो ऐसा होता ही है, जब भी कोई सुसाइड बॉम्बर अपने आप को उड़ाता है अक्सर उसका सिर ही मिलता है। अगर सांग्या में जल्दी से जल्दी बता देना कि किस तरह का बारूद इस्तेमाल किया था इस बॉम्ब में, तो हम उन लोगों तक पहुंच सकते हैं जिन्होंने ये करवाया है। हाँ सर। और ये प्रेस वाले फोन पे फोन करके परेशान किए जा रहे हैं। क्या बताऊं उन्हें मैं, क्यों गई इन मासूम लोगों की जाने? क्या बताऊं मैं, समझ में नहीं आता। बॉस, ये देखो, ये टांके, इसके सर पे टांके लगे हुए हैं। इसका मतलब इसे कोई चोट लगी, ये हॉस्पिटल गया, वहां किसी अच्छे से डॉक्टर से इसने अपने सर पर ये टांके लगवाए। ये देखो, इसके सर के बाल भी शेव किए गए। सर, उनके तुम्हारे कहने का मतलब है कि पहले इसने अपने घाव का इलाज करवाया और फिर जाके बॉम्ब ब्लास्ट किया? मे बी बॉस। सर, जो इंसान अपनी जान देने पर तुला और जिसको पता है कि कुछ भी हो जाए मरना तो है ही मुझे, वो अपना इलाज क्यों करवाएगा? वो सोचेगा कि छोड़ो, भूल जाओ, छोटी मोटी चोटें। मगर ये आदमी अपनी चोट नहीं भूला। संखी, चोट लगी कैसे होगी? क्या किसी ने इसे मारा है क्या इसके सिर पर? बस इसके घाव को अच्छी तरह से देखें तो पता लगता है कि ये घाव किसी चोपर या चाकू से तो नहीं बना है। हो सकता कोई चीज इसके सर पे गिरी, उसे घाव बना। एक बात और, इसे चोट जरूर लगी है इसे, लेकिन इतनी जोर से नहीं कि इसकी जान चली जाए। वो कैसे? सर, अगर इसके सर पर इतनी जोर से चोट लगी होती ना, तो इंटरनल ब्लीडिंग होती, यानी सर के अंदर खून बहता, विच वुड लीड टू अ हेमरेज। और डॉक्टर को या तो इसकी खोपड़ी खोलनी पड़ती या फिर इसकी खोपड़ी के अंदर सुराख करके खून निकालना पड़ता।
लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस आदमी ने अपने सर पर स्टिचेस लगवाई और शायद उसी दिन या फिर मैक्सिमम अगले दिन तक अपने घर लौट गया। समझ गए, ये जख्म हुआ कब होगा? यार ये जख्म ताजा तो है लेकिन इतना ताजा भी नहीं। बस मुझे लगता है ये टांके इसे परसों ही लगे। परसों मतलब लास्ट के एक दिन पहले? तो ये आदमी हॉस्पिटल से घर गया और बॉम्ब ले जाकर फोड़ दिया। अरे अजीब बात है, ये भी तो हो सकता है कि इसने वो बॉम्ब खुद ना लगाया हो, किसी ने जबरदस्ती की हो, इससे वो काम कराया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि हॉस्पिटल में ही कुछ हुआ हो इसके साथ। हॉस्पिटल में क्या हो सकता है दया? कुछ भी हो सकता है डॉक्टर, कुछ भी हो सकता है सरुंखे, हॉस्पिटल में कुछ भी हो सकता है। इस हॉस्पिटल को ढूंढो, ढूंढो इस हॉस्पिटल को जहां पर ये टाके लगाए गए हैं। धर्मेरा हॉस्पिटल देखते हैं, शायद उस आदमी का ऑपरेशन यहाँ पे हुआ हो। इन्हीं से पूछने में पता लगेगा सर। एक्सक्यूज मी। जी कहिए। एक फोटो दिखाने दिया। क्यों? शायद ये आदमी यहाँ पे आया होगा। दिखाइए। जरा डरावनी फोटो है, ध्यान से देखना। किसी आत्मावत्मा की फोटो है क्या? एक मुर्दे की फोटो है, एक जले हुए मुर्दे का कटा हुआ सर। हे भगवान, ये क्या है? ठीक से देखिए इस फोटो को। ये आदमी यहाँ आया था और उसके बाद इसकी मौत हो गई। इसके सर पे यहाँ पे चोट लगा हुआ था, यहाँ पे स्टिचेस लगे थे। इसका ये सिर अलग कैसे हो गया? बॉम्ब फटने से। बॉम्ब? कुछ याद है? इसके सर पे चोट लगी थी और इसका ऑपरेशन शायद यहाँ इसी हॉस्पिटल में हुआ है। ये आदमी दो दिन पहले यहाँ आया था। ये तो एक कारपेंटर है, लकड़ी का काम करता है ये। डॉक्टर, ये लोग कुछ पूछ रहे हैं। यस। आप इसे पहचानते हैं? कटा हुआ सिर। ये आदमी आया था यहाँ पर, इसीलिए पूछ रहे हैं। इसका नाम राधेश्वर है। राधेश्वर, आप जानते हैं इसे? जानता हूँ, मतलब मैंने इसका ऑपरेशन किया था बस। और क्या जानते हैं इसके बारे में? ये जल्दी से जल्दी अपने घर जाना चाहता था, बार बार कह रहा था कि मेरी बीवी परेशान होगी, मुझे छुट्टी दे दो। तो दे दी छुट्टी इसे? हाँ, लेकिन उस दिन नहीं, अगले दिन। देखिए डॉक्टर साहब, मामला जरा गंभीर है। इस आदमी ने बॉम्ब लगा के 25 लोगों को मार दिया है। ये एक सुसाइड बॉम्बर है, समझे? क्या? हाँ, मिलन कॉलोनी में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है वो इसी आदमी ने किया है। सुसाइड बॉम्बर? लकड़ी का काम करने वाले एक मामूली आदमी ने 25 लोगों को मार दिया। आपने इस आदमी का ऑपरेशन किया है तो इस आदमी का घर का एड्रेस तो होगा ही ना आपके पास? जी हाँ, है हमारे पास। राधेश्वर का घर तो यही है, एड्रेस भेज दिया उसने। ये घर तो बंद है, यही देखते हैं। ये राधेश्वर यही रहता है ना? यही घर है ना उसका? जी हाँ। घर में है राधेश्वर? नहीं, वो तो बाहर गए हैं। बाहर गए हैं? कुछ मालूम है आपको कहाँ पे? जी नहीं, वो तो कल सुबह से बाहर गए हैं, अभी तक नहीं आए। कुछ काम था, कुछ फर्नीचर वगैरह बनवाना है। नहीं तो फिर आपको क्या काम है मुझे बताइए, मैं उनकी बीवी हूँ, वो आएंगे तो मैं उनको बता दूंगी। अच्छा, वो कुछ बता के गए थे कि कहाँ जाने वाले हैं? जी नहीं, पर आप ये सब क्यों पूछ रहे हो, कोई बात हो गई है क्या? देखिए, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी से? जी। क्या बात है, क्या हो गया, मेरे पति ने क्या किया है? हम लोग गरीब जरूर हैं, मगर मेरे पति कुछ गलत काम नहीं कर सकते। नहीं नहीं, हमने कब कहा कि उन्होंने गलत काम किया है? हम तो सिर्फ यही पूछ रहे हैं कि उन्होंने बताया था कि वो कहाँ जा रहे हैं। जी नहीं,
वैसे भी वो अस्पताल से आने के बाद कुछ बदले बदले लग रहे हैं। अस्पताल से? हाँ। अस्पताल क्यों गए थे वो? सर में चोट आ गई थी ना, जब जब काम कर रहे थे तो ऊपर से कुछ गिर गया था, इसकी वजह से उनके सर में चोट आ गई। अच्छा, अस्पताल से वापस आने के बाद क्या हुआ था? कुछ ठीक तरह से बात ही नहीं कर रहे थे, हर समय वो चिड़चिड़े से ही रहते थे। पता नहीं, मुझे लगा कि शायद सर में चोट लगने की वजह से ऐसा हुआ है। ओ, सर में चोट लगने की वजह से बदल गए थे वो। कितने दिन थे हॉस्पिटल में? अस्पताल में तो वो एक ही दिन थे, ऑपरेशन करके घर आ गए। और कब कब घर कब वापस आए? कल सुबह। कौन से हॉस्पिटल में गए थे ऑपरेशन कराने? दहदरा हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल की गाड़ी ही हमें छोड़ने आई थी, पर बात क्या है आप कुछ बताते क्यों नहीं? देखिए, अब मैं आपको कैसे बताऊं, आपके पति अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी मौत हो गई। मैं ये सच है? मौत हो गई? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पति कैसे मर सकते हैं? किसने मारा उनको? किसने मारा उनको? नहीं, किसी ने मारा नहीं है, उन्होंने खुद अपनी जान दे दी है। वो एक मानव बॉम्ब थे। मानव बॉम्ब? आप लोग ये क्या कह रहे हैं? वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो हमें छोड़ के नहीं जा सकते, हमें छोड़कर कैसे जा सकते हैं वो? देखिए, ऐसा ही हुआ है, उन्होंने अपने साथ बॉम्ब रखकर खुद को उड़ा दिया, और भी कई लोग मारे गए। प्लीज संभालिए अपने आप को, प्लीज। मुझे छोड़ के वो क्यों जाएंगे? वो नहीं रहेंगे तो हम भूखे मर जाएंगे। गरीब आदमी बम क्यों फोड़े? क्यों फोड़ेगा गरीब आदमी बम? देखिए, हम लोग भी यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। आपको मालूम है कि राधेश्वर किन किन लोगों से मिलते थे? जी नहीं। तो किसी भी तरीके से पता लगाना ही पड़ेगा कि राधेश्वर से ये काम किसने करवाया है। ये बेचारे लोग तो मासूम लग रहे हैं। हाँ, मैं वहीं जा रहा हूँ, जैसा आप बोल रहे हैं वैसा ही होगा। कब? 15 मिनट पहले। ठीक है, हम लोग वहां पहुंचते हैं, तुम एसीपी साहब को खबर करना और मैं बॉम्ब स्क्वाड वालों को फोन करता हूं, ठीक है? क्या हुआ? एक और बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है तिरुपति मार्केट में। माय गॉड, चल। चलिए हटिए प्लीज, ठीक हटिए, हटिए जरा, हटो। देखो पैसा जरा उधर भी दे। फोन किसने किया था? सर, मैंने किया था। सर, आपने किया था? आइए अंदर आइए, आइए आइए, घबराइए मत सर। आओ, संभल संभल संभल। चाहिए पता, जब ये ब्लास्ट हुआ तब तुम कहाँ थे? सर, एक जरूरी काम से मैं अपनी दुकान से बाहर गया था,
मेरी दुकान पर काम करने वाला लड़का वो ब्लास्ट में मारा गया सर। इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ मगर तुम्हें तो कुछ ज्यादा मार नहीं लगा हा? सर मैं उसी समय आया था, रिक्शे से उतरा और कुछ ही पलों में ब्लास्ट हो गया यहाँ। कोई बात नहीं, बाल बाल बच गए। अच्छा ये बताओ कि तुमने कोई ऐसी चीज देखी जिसकी वजह से ब्लास्ट हुआ होगा? मेरा मतलब है कोई साइकिल या स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, हाथ गाड़ी, कुछ भी? नहीं सर, एक लड़का था। लड़का? एक लड़का? तुमने उसके हाथ में कुछ देखा क्या, कोई थैला वगैरह? नहीं सर, बिल्कुल खाली हाथ था वो। रिक्शे से उतर कर मैं उसे देखते हुए जैसे ही अपनी दुकान की तरफ मुड़ा और अचानक ब्लास्ट हो गया। बहुत भाग्यशाली हो तुम, बच गए। अच्छा ये बताओ क्या इससे पहले उस लड़के को तुमने देखा? हाँ सर, कई बार देखा उसे यहाँ। देखा है? हाँ। कहाँ पर? यही पास की गली में ही रहता था। बहुत अच्छा लड़का था सर वो, हमेशा खुश रहता था। नाम क्या है उसका? रमेश। किसी से भी पूछिए उसके बारे में, सब उसके बारे में अच्छा ही बताएंगे। तो अचानक इस रमेश को हो क्या गया? पता नहीं, उसका हाथ भी खाली था सर, कैसे उसने ये ब्लास्ट कर दिया कुछ समझ में नहीं। उसके कोई दोस्त है? आपको पता है वो किस किस से मिलता था? ये तो नहीं पता, लेकिन दो दिन पहले वो हॉस्पिटल गया था। हॉस्पिटल गया था? कौन से हॉस्पिटल? धरधेरा हॉस्पिटल। धरधेरा हॉस्पिटल? हाँ सर, वहाँ मिला था मुझे वो। अजीब सा बर्ताव कर रहा था वो। अजीब सा मतलब क्या? क्या बर्ताव था उसका? पता नहीं सर, अजीब सा बर्ताव कर रहा था, पागलों जैसी हरकत कर रहा था, लेकिन मैं जानता हूँ वो पागल नहीं था। आपने ऐसा किया जो हमें खबर दी? सर जान बच गई मेरी। सर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, रमेश तो यहीं रहता था तो उसने अपने घर के पास ही ब्लास्ट कैसे कर दिया? वही तो, रमेश ने यहीं पर अपने घर के पास ही ब्लास्ट क्यों कर दिया समझ में नहीं आ रहा। इस धरधेरा हॉस्पिटल में जाकर पूछताछ करते हैं, शायद वही कुछ पता चल जाए। इन दोनों बॉम्बर्स के सिर को देखकर तुम्हें कुछ पता चला? पता नहीं मुझे क्या सूझी बॉस, मैंने सोचा इनकी खोपड़ियों का एक्सरे लेकर के देखता हूं, और जब एक्सरे देखा, हाय गॉड, मेरा दिमाग चकरा गया। अच्छा? हाँ सर, दोनों के दोनों आदमियों के गर्दनों में किसी ने चिप्स फिट कर रखे थे, ये देखिए। मतलब माइक्रोचिप्स? बिल्कुल, गर्दन में माइक्रोचिप्स फिट किए और कुछ तारों के साथ उन्हें दिमाग से जोड़ दिया। इसका मतलब सर ये दोनों के दोनों आदमी किसी के गुलाम बन गए थे? हाँ, कोई दूर से इन्हें अपने इशारों पर नचा रहा था। ये तो बहुत ही खतरनाक है, जो कुछ भी वो आदमी दूर बैठकर कह रहा था ये दोनों वही कर रहे थे। बिल्कुल, और इतना ही नहीं, ये लोग कहाँ कहाँ घूम रहे थे, क्या क्या कर रहे थे, उस आदमी की इन पर पूरी नजर थी। दो लोग, दो चलते फिरते बॉम्ब रस्ते पर घूम रहे थे और उन बेचारों को पता भी नहीं था कि क्या करने जा रहे हैं। लेकिन सर ये बॉम्ब थे कहां पे? क्योंकि ये बॉम्ब इन दोनों के पेट में थे। क्या? पेट में? पेट में बॉम्ब? बिल्कुल। तो सांखे किस चीज से बने हुए थे ये बॉम्ब? बस ताशा जो बॉम्ब के टुकड़े लेकर के आई, उन्हें चेक करने से पता चला कि ये बॉम्ब दो भयानक एक्सप्लोजिव से बनाए गए, बहुत ही डेंजरस एक्सप्लोजिव, जिनमें से एक है C4 और दूसरा है 27QRX। C4 और 27QRX? सांगी ये कोई आम एक्सप्लोजिव तो नहीं, तो फिर ऐसे खतरनाक एक्सप्लोजिव इन लोगों को मिले कहां से होंगे? एग्जैक्टली सर, ये बॉम्ब तो कोई आम आदमी बना ही नहीं सकता। ना तो कोई आम आदमी बना सकता है और ना ही कोई आतंकवादी बना सकता है। अरे तो फिर कौन बना सकता है सर? ये बॉम्ब कोई ऐसा आदमी बना सकता है बॉस, जो या तो केमिकल इंजीनियर है या उसे केमिकल्स के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है। सर उनके ये जो
खतरनाक एक्सप्लोजिव्स, ये केमिकल्स के बारे में जो तुम बता रहे थे, ये C4 और 27QRX, अगर इनसे कोई बॉम्ब बनाए और वो बॉम्ब किसी मेटल डिटेक्टर या बॉम्ब डिटेक्टर के थ्रू पास हो जाए तो क्या पता चल सकेगा, डिटेक्ट होगा ये बॉम्ब? नहीं होगा। अरे तो फिर साणुंखे कोई ऐसी चीज होगी, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट या मशीन जो डिटेक्ट कर सके इस बॉम्ब को? एक मशीन है बस, IED इंडिकेटर मशीन। ये मशीन 50 मीटर दूर रखे हुए बॉम्ब को भी डिटेक्ट कर सकती है कि बॉम्ब कहां रखा गया है। मगर क्या सर? मगर ये कि इसे छूना बहुत खतरनाक है, इसे हाथ भी मत लगाना। जरा सी लापरवाही बहुत खतरनाक साबित हो सकती है बॉस। इसे छूने के लिए किसी एक्सपर्ट की जरूरत है, बॉम्ब एक्सपर्ट की। तो तुम्हें पता है ऐसा कोई एक्सपर्ट? हाँ है, मेरे एक दोस्त है अजय, वो इन खतरनाक एक्सप्लोजिव्स पर रिसर्च करता है। अजय। और डॉक्टर, पिछली बार जब यहाँ पे आए थे आप लोगों ने ऐसी एक्टिंग की जैसे आप लोगों को कुछ पता ही नहीं। बॉम्ब यहीं पे लगाया गया है, पेट में, यहीं पे। हमने बॉम्ब? हाँ, लोगों को पैसों का लालच देकर सुसाइड बॉम्बर बनाया जा रहा है। अगर ऐसा कोई भी गलत काम यहाँ होता तो हमें जरूर मालूम होता। मालूम होता क्या? मालूम है, जब आप ही पेट में बॉम्ब लगा रहे हैं तो आपको तो मालूम होगा ही ना। हमारी रोजी रोटी चलती है इस हॉस्पिटल से, हम यहाँ कोई भी गलत काम क्यों करेंगे? वो तो अभी पता चल जाएगा कि आप लोग कितना सच बोल रहे हैं। हमने कहा ना सर, हमारा बॉम्ब से कोई संबंध नहीं है। एक काम कीजिए, आप जरा ऑपरेशन थिएटर दिखाइए। ऑपरेशन कहाँ होता है? चलिए चलिए, लेकिन आपको वहाँ कुछ मिलेगा नहीं। क्यों, साफ कर दिया सब कुछ पहले से? कुछ साफ ऑफ नहीं किया सर, जब हमने कुछ किया ही नहीं तो साफ ऑफ क्या करना। हमारे पास सबूत है, सब कुछ यहीं पे हुआ है, वो बॉम्ब लगाने का ऑपरेशन यहीं पे हुआ है, समझे? ये क्या हो रहा है यहाँ पर? हमें शक है कि इसी हॉस्पिटल में बॉम्ब लगाए जाने पेट में। क्या? देखिए आपको कोई गलत फहमी हुई है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अच्छा, जरा अपना ऑपरेशन थिएटर दिखाइए। चलिए आइए। चलिए चलिए। कुछ नहीं मिलेगा आप लोगों को, कोई गलत काम नहीं होता इस हॉस्पिटल में। क्या नहीं हो सकता? यहाँ पे दो मरीज अपने इलाज के लिए आए थे और जब वो यहाँ पे आए थे तो अच्छे खासे थे, लेकिन जब यहाँ से गए हैं तो दरिंदे बन के गए हैं वो। कैसे? इसका मतलब जो कुछ भी हुआ है यहीं पे हुआ है, हॉस्पिटल में। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। देखिए, हम लोगों को बॉम्ब के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है और ना ही हम लोग देशद्रोही हैं। तो फिर ऐसा क्या हो गया इस हॉस्पिटल और घर के बीच में जो लोगों का दिमाग घूम गया, पेट में बॉम्ब लगा के घूमने लगे? हाँ? शायद रास्ते में ही कुछ हुआ होगा। रास्ते में हुआ होगा ऐसा। वो दोनों के दोनों यहाँ से वैन में बैठ के निकले और वो भी हॉस्पिटल की वैन में। हमने तो अपनी तरफ से मदद करने की कोशिश की थी, ऐसे गरीब मरीजों को उनके घर तक छोड़ने के लिए हम अपनी मेडिकल वैन भेजते हैं ताकि वो सही सलामत घर पहुँच जाए। ये मेडिकल वैन जिसमें आप लोगों को घर छोड़ते हैं, ये चलाता कौन है? ड्राइवर ही है और स्टाफ भी। आपके हॉस्पिटल का मेडिकल वैन कहाँ पर है, दिखाइए। चलिए भाई, भाई हॉस्पिटल में एम्बुलेंस कितने हैं? जी दो है सर। दो? यहाँ पर तो एक ही एम्बुलेंस है, दूसरी एम्बुलेंस कहाँ है? दूसरी वाली किसी मरीज को छोड़ने गई है। मरीज को? ओ सचिन, कहीं इस मरीज को भी बॉम्ब तो नहीं बना दिया? हो सकता है सर। क्या मतलब है आप लोगों का? अरे वो मरीज तो एकदम ठीक ठाक गया यहाँ से, बिल्कुल सही सलामत, अचानक से उसके अंदर बॉम्ब कहाँ से आ सकता है? नाम क्या है इस मरीज का? जी विनय नाम है उसका, बेड नंबर 24 पे था वो। और उस एम्बुलेंस को गए कितना टाइम? यही कोई दो घंटे। दो घंटे? सचिन कंट्रोल रूम को फोन करो जल्दी। नंबर क्या है एम्बुलेंस का? आप लोग कौन है और अचानक मेरे घर में? दरवाजा खुला था तो
अंदर आ गए। हाँ माँ जी, हमें विनय के बारे में आपसे कुछ पूछना था। क्यों? हम लोग सीआईडी से। तो क्या हुआ? हुआ तो कुछ नहीं, फिर भी उसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए थी। मेरा बेटा घर में कम रहता है और बाहर ज्यादा, उसका काम ही कुछ ऐसा है कि उसे घूमना पड़ता है। माँ जी, क्या आपको मालूम है कि आपका बेटा धरधेरा हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में क्यों गया था वो? कुछ हो गया क्या उसे? नहीं नहीं, कुछ हुआ नहीं है आपके बेटे को, बस हाथ में थोड़ी सी चोट लगी है। पर वो है कहाँ, आपको मालूम है? नहीं, हमें नहीं मालूम। वो घर कब आएगा, ये तो आपको मालूम होगा ना? जी, हमें ये भी नहीं मालूम। वो ठीक ठाक तो है ना, ये तो बता दीजिए। हाँ हाँ, वो ठीक है। ये चिप लगानी बहुत जरूरी है, जैसे ही ये चिप लग जाएगी गर्दन पे, ये आदमी हमारा गुलाम बन जाएगा। अजीब लग रहा है, इतना बड़ा आदमी है ये मिस्टर अजय, और उनके सिक्योरिटी के लिए घर के बाहर कोई भी नहीं? शायद सिक्योरिटी गार्ड्स अंदर बैठे होंगे। कोई तो होना चाहिए था बाहर, हाँ? बाकी लोग अंदर हो सकते हैं, कम से कम एक आदमी को होना चाहिए था यहाँ बाहर। सालुन के साहब तो कह रहे थे कि डॉक्टर अजय बॉम्ब एक्सपर्ट है, हो सकता है यहीं से कुछ मदद मिले। कुछ प्रॉब्लम है सर, शायद आपको दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। देखिए दरवाजा कितना मजबूत है। घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है, लगता है कोई तूफान आया था यहाँ पे। अजय जी, कोई है घर में? संभाल के। अजय जी, कौन हो तुम और इस घर में ऐसे तुम छुप के क्यों बैठे? मैं अजय जी का बेटा चिराग हूँ। चिराग, बाहर आ जाओ। क्या हुआ? आप लोग प्लीज मेरे डैडी को बचा लीजिए, वो लोग मार डालेंगे उन्हें। किसकी बात कर रहे हो, कौन मार डालेगा? वही लोग जो उन्हें उठा के ले गए। क्या डॉक्टर, अजय किडनैप हो गए? हाँ। किसने किया, तुम पहचानते हो उन्हें? नहीं, लेकिन अगर उन्हें छुड़ाया नहीं गया तो वो लोग उनसे वो बॉम्ब बनाने का फॉर्मूला ले लेंगे। कौन सा फॉर्मूला, तुम्हें मालूम है? हाँ, मेरे डैडी एक फॉर्मूला बना रहे थे जिसमें एक बारूद इस्तेमाल होता है, 27QRX। कुछ लोग आए और उनसे वो फॉर्मूला मांगने लगे। तुमने पुलिस पे कंप्लेन नहीं की? नहीं, मैं बहुत डर गया था। और उस वक्त तुम कहाँ पे थे? मैं डर के मारे इसी कबूतर में छुप गया था। वो लोग बहुत सारे गन्स भी लेके आए थे। घबरा मत बेटा, कुछ नहीं होगा, हम तुम्हारे डैडी को वापस लेके आएंगे, ठीक है? ये बताओ, तुमने उन किडनैपर्स को देखा था, वो दिखने में कैसे? हाँ, तो हाईवे पुलिस का फोन था। उनका कहना है कि हाईवे पे उन्होंने एक मेडिकल वैन देखी है, उसी नंबर की। ठीक है, देखो बेटो, घबराने की कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, ठीक है? आ जाओ बैठो। तो पुलिस के हिसाब से वो मेडिकल वैन यहीं पे खड़ी है।
कोई नहीं। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। इस पॉलिथीन बैग में खून लगा हुआ है, मतलब इस थैली में ऐसा कुछ रखा हुआ था जिससे खून आया है इस बैग में। ऐसा क्या रखा होगा इसमें सर? कोई औजार ऑपरेशन करने का? तो हो सकता है ये लोगों ने दरदेरा हॉस्पिटल से और भी ऑपरेशन के काफी सामान चुराए होंगे सर। हाँ सर, जैसे मास्क वगैरह। और ये वैन भी तो वहीं से चुराई गई है। आतंकवादियों ने इस एम्बुलेंस को चलता फिरता ऑपरेशन थिएटर बना दिया है। सर, ये देखिए सर, ये लिफाफा मिला है, इस पे शुभंकर लिखा है। शुभंकर? सर, ये वैन तो खाली है, तो फिर वो साइंटिस्ट जिसको इन लोगों ने किडनैप किया था उसे कहाँ छुपा दिया? ये क्या है? ये निशान देखो, लगता है किसी को यहाँ से घसीट के ले जाया गया है। साइंटिस्ट अजय, गॉड, इनका तो खून कर दिया गया है। सर, अब उस बेचारे चिराग को क्या जवाब देंगे? ये उसके पापा की डेथ हो गई है। मैं भी यही सोच रहा हूँ। सर, बॉडी को देख के तो लगता है कि इनका खून अभी कुछ वक्त पहले हुआ है। सर, हमें आने में थोड़ी देर हो गई, मगर हम इन लोगों को छोड़ेंगे नहीं। इस टेक्निकल लैब को ढूंढते हैं, यही हमें पहुंचा सकती है उन आतंकवादियों तक। किसको ढूंढ रहे हैं साहब आप लोग यहाँ पर? भाई साहब, यहाँ पे आसपास कोई लैब वगैरह है? लैब? वो क्या होता है साहब? वही जगह जहाँ पर तरह तरह के केमिकल्स पर प्रयोग होते हैं। ओहो, शायद आप इसकी बात कर रहे हैं। लेकिन ये जगह तो बंद पड़ी है। ये जगह तो पिछले 5 साल से बंद पड़ी है साहब। 5 साल से बंद पड़ी है? हाँ साहब, 5 साल पहले तो यहाँ बहुत कुछ होता था। क्या होता था यहाँ पे? ये तो मालूम नहीं साहब, लेकिन यहाँ कुछ गड़बड़ घोटाला होता था। मालिक कौन है जगह का? शुभांकर नाम है उसका साहब। शुभांकर? चलो ठीक है, तुम जाओ। थैंक्स। शुभांकर नाम पहले कहीं सुना है मैंने। अरे हाँ, शुभांकर, ये तो वही है जो गलत फॉर्मूला बनाने में पकड़ा गया था। हाँ सर, और सरकार ने उसे नौकरी से निकाल दिया था। हाँ, चलो देखते हैं अंदर क्या है। सर, बाहर से देखने से ऐसा लग रहा था कि ये लैब काफी दिनों से खुले नहीं है, लेकिन अंदर आने के बाद यहाँ का तो मात्रा ही अलग है कुछ। लगता है शुभांकर अभी भी फॉर्मूले बना रहा है। ये देखो, बॉम्ब बनाने की किताब। अरे हाँ सर, ये देखिए, पेट में बॉम्ब कैसे लगाया जाता है ये भी दिखाया गया है। ये देखिए। हाँ फ्रेडी, वो बॉम्ब यहीं पे तैयार किए गए हैं और शायद लोगों के पेट में भी यहीं पे लगाए जाते होंगे। शायद अभी भी कोई है अंदर।
सर कहीं ये लोग बॉम्ब ना फोड़ दे सर। लेडीज इतनी जोर से बोलने की जरूरत नहीं कि उन्हें याद आ जाए। हमें कैसे भी उस गाड़ी तक पहुंचना है। मैं आपको कवर फायर देता हूं साहब। क्यों कर रहा है सर? क्यों कर रहा तू ऐसा? बहुत देखे हैं तेरे जैसे मैंने। अच्छा? बहुत देखे? हाँ, बहुत देखे हैं तेरे जैसे। आइंदा शायद देख नहीं सकेगा। हाँ? बोल। क्यों किया ऐसा? मेरे को नौकरी से निकाला। मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। नौकरी में गड़बड़ की थी ना? इसीलिए निकाला तुझे? नहीं, नहीं। सब चलते थे मुझसे। मेरे जैसा साइंटिस्ट कोई पैदा नहीं हुआ था। सब मच्छर थे मेरे सामने, मच्छर। सबने मिलकर मुझे निकाला। और इसलिए तूने बम बनाना शुरू कर दिया? हाँ, शुरू कर दिया। जिससे ये पता चल सके उन लोगों को जिन लोगों ने मुझे निकाला था कि मैं सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। हमारे दिमाग की जांच करवानी पड़ेगी। तुम मानसिक रूप से जरा बीमार लगते। दिमाग की जांच तुम लोग करा। एक अच्छे खासे होनहार आदमी को पकड़ रखा है। Nonsense। तेरे विनय को कहाँ भेजे? विनय? हाँ विनय, जिसके पेट में तूने बम लगाया था। विनय। उसे मैंने एक स्पेशल जगह भेजा है। स्पेशल जगह। कहाँ भेजा उसे? कुछ याद नहीं आ रहा है। जल्दी से याद करके बता। लोगों की जिंदगी का सवाल है, समझा? अभी तो याद नहीं आ रहा। उसके पेट में जो बॉम्ब है ऑटोमेटिक है। कब फटेगा मालूम नहीं। एक हाथ और पड़ेगा तो सब याद आ जाएगा। मैं नहीं बताऊंगा। चुपचाप बता दे, लोगों की जिंदगी का सवाल है। मैं बदला लेकर रहूंगा। बदला लेकर रहेगा? हाँ। गोली फिर दिमाग में। मैंने उसे माच बाजार भेजा था। बाजार के बीचों बीच बॉम्ब फोड़ेगा वो। हाँ। रहा। हाँ। विनय यहीं कहीं आसपास होना चाहिए। हम उसे सिर्फ उसके हाव भाव से पहचान सकते हैं। चलो चारों तरफ ढूंढो, देखो कहाँ है। ये सब नाके पे तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा। इस एरिया में ऐसा कोई आदमी दिखाई नहीं दिया जो अजीब तरीके हरकतें कर रहा हो। नहीं सर, यहाँ पर भी कोई दिखाई नहीं दिया। हेलो, हाँ कंट्रोल रूम, क्या इन्फॉर्मेशन? क्या? ओके ओके, ठीक है, हम लोग अभी पहुंचते हैं वहां पर। चलो वो जुरासिक पार्क।
रास्ते के बीच में क्या खड़ा हुआ है? पीरा किया दीपर। अबे निकल भाई। ए क्या आदमी है रे? सर वो देखिए, एक आदमी खड़ा है बीच सड़क। क्या हो सकता है? यही आदमी सुसाइड बॉम्बर है। गाड़ी रोको, देखते हैं। हटिए प्लीज, जल्दी से दूर जाइए यहाँ से। हटिए आप प्लीज, अंदर जाइए यहाँ से प्लीज। हटिए आराम से, आराम से। क्या हुआ डॉक्टर साहब? जी ये चलता फिरता बॉम्ब है, इसके पेट में बॉम्ब है, किसी भी तरह हमें इसे डिफ्यूज करना है, जल्दी जल्दी। पेट में बॉम्ब? जी हाँ डॉक्टर साहब, इसके पेट में बॉम्ब है, किसी भी हालत में आपको निकालना है, लेकिन उससे पहले हम आपको बॉम्ब प्रूफ जैकेट देंगे, उसके बाद में ऑपरेशन करना। लेकिन सर बॉम्ब प्रूफ जैकेट पहनकर हम लोग ऑपरेशन कैसे कर सकेंगे? बॉम्ब कभी भी फट सकता है डॉक्टर साहब। विवेक जल्दी से बॉम्ब प्रूफ जैकेट लेकर आओ। ऑपरेशन का सामान तैयार है? यस सर। पहले ये तो देखूं कि बम पेट में है कहां। स्केलपेल सर, हटिए प्लीज, जल्दी हम कभी भी फट सकता है सर। जल्दी थैंक गॉड। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।